आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्कशॉप के। लोगों नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है वर्कशॉप के दूसरे दिन में। कल हमने बीकनी बनाई थी, इसका एक स्टेप हमने पूरा पूरा कर लिया था। इसके लिए हमने पहले एक स्टिक ली थी और पहले स्टिक को बनाया हमने इस तरीके से कि कार्डबोर्ड चिपकाकर हमने इसके ऊपर शीट को ज्वाइंट किया था और रिबन लगाया था। यहाँ पर आज हमने पूरा कर लिया था एक साइड का, आज हम दूसरा साइड कंप्लीट करेंगे। इसके लिए जैसे हमने पहले किया था, हमको इक्वल लाइन बनानी गोटे से। पहले आपको कल हमने ये बैक साइड का जो लिया था ना, पहले एक साथ काट ज्वाइंट किया था, तो इसको हम चिपका रहे हैं वापस से पीछे की साइड में। अब हमको स्टैंडिंग लाइन के लिए बिल्कुल इक्वल काटना है, इसलिए पहले हम लोग सेंटर वाली लाइन लेंगे इस तरीके से। और एंड कॉर्नर में कट कर लेंगे। ऐसा ये हमारा सेंटर वाला है। अब इसकी हम दोनों बराबर दूरी करते हुए दो लाइन और बनानी है हमें। पहले हम कट कर लेंगे, फिर इसके साथ उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से हमने सेकंड लाइन ली है, सेम ऐसे बराबर दूरी नापते हुए हम ये वाला कवर करेंगे। इस तरीके से अब हमको इसको चिपकाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक डॉप लेंगे ऐसा, इधर 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 और ये एंड में। और सबसे पहले हमने इसको यहाँ लगाया, फिर हमने सेंटर वाला लिया, इस तरीके से। अब हमें लास्ट जॉइंट करना है, ऐसे हमें एक ड्रॉप लगाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा अब हमें ये साइड कवर करना है और बीच में डेकोरेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्लू को पहले लगा देंगे ताकि जब ये हाफ ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे कवर करने के लिए। इस तरीके से हमने इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ा है, तब तक हम इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। हमने ऐसे ड्रॉप लगाया बिल्कुल सेंटर में। अब आपके पास जो मिरर हो या कुंदन हो या क्या कहते हैं उसको, बूटियां हो, वो आप इसके बीच में लगा सकते हैं। मैं अभी ये लगा रहा हूँ। आप इसका डेकोरेशन अपनी क्रिएटिविटी से कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, कुछ भी लगा सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो। साड़ियों में जो बूटियां लगाते हैं वो भी इसमें काम ले सकते हैं। इस तरीके से सर अगर गोटा नहीं हो तो
गोटा नहीं हो तो आप ऐसे रिबन भी लगा सकते हैं, रिबन आते हैं ना ओके साटन वाले, पैकिंग वाले, जिसको गिफ्ट पैक करते हैं। यस सर। वेरी गुड, अब एक कम पड़ गया, रुको तुम लगाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लगाया, ये थोड़ा सा इधर दिख गया। ऐसा अब हमने इसको चुका है, नहीं अब हमने ये लेस लगानी है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे एक कॉर्नर से, इसको घुमाते हुए हल्का हल्का दबाना है। ऐसे ये अब हमको थोड़ा सूखने का वेट करना है। ये आपकी एक हमने कंप्लीट करी आज। अब हम एक दूसरे तरीके से बनाने वाले हैं, जिसको आप गिफ्ट भी देंगे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें जब वो हवा करेंगे तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, महक आएगी। वो तरीका भी हम बताने वाले हैं, और वो डेकोरेट भी कर सकते हैं उसको, बड़ा सिंपल है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा ऐसा, और बैक साइड में आपने कल किया था वो ऐसा होगा। तो हमने बनाया एक ये डिजाइन, एक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई भी कलर का रिबन हो वो लगा सकते हैं, जरूरी नहीं सेम रिबन लगाएं, कॉन्ट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। तो हमने दो तरह की बताई आपको डिजाइन, अब हम एक तीसरी एक और बनाने वाले हैं, वो थोड़ी क्रिएटिविटी आपको काम में लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने क्या किया, शादी का कार्ड आते हैं ना आजकल, बड़े कलरफुल कार्ड आते हैं शादी के, तो मैंने एक कार्ड लिया शादी का इस तरीके से, उस पे भगवान बने थे गोविंद देव जी। तो मैंने उसको खोला, जब मुझे एक ये डिजाइन, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ज्योति और संग कुणाल की शादी का कार्ड है ये, तो मैंने उसमें से ये निकाला, इसमें ये डिजाइन है अंदर अलग अलग तरह की। आजकल दुल्हन और इस तरह की फोटो आते हैं, वो भी आप लगा सकते हो, नहीं तो आप प्रिंटआउट जो होता है ना, कोई भी प्रिंटआउट लो, उसको कलरफुल निकाल लो, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट पे कलर कर लें किसी भी डिजाइन का, उसको भी आप लगा सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो मैंने इसमें से ये निकाला था कल ऐसा, और इसमें ये बने हुए थे, तो मैंने इसको निकाल के, इसमें आपके पास जो राखियाँ होती है बची हुई, या कुंदन होते हैं, या तारे होते हैं, वो आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने किया इसमें, जहाँ जहाँ आप मेरे को लग रहा कि मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो हम इसको थोड़ा डेकोरेट और करना है, ये मैंने राखी में से निकाले हैं, और कुछ मेरे पास ये भी हैं, कुछ हमने जो बना अभी इसमें जो लगाए थे उसको मैंने हाफ कर लिया, ऐसे करके आधे आधे बना लिया हाफ सर्कल में, यहाँ रखता हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक थोड़ा सा कॉटन, और इत्र आता है, या फिर आपके पास डी होता है ना, उसको आप इसमें लगा सकते हैं ऐसा, और कुछ लेस, राखियों के टुकड़े, गोटे की बूटी, इस तरह की चीजें हम इसमें काम में ले सकते हैं ऐसा। तो हमको थोड़ा सा ये डेकोरेट करना है, ये मैंने इसमें लगाया। आप कोई प्रिंट आउट भी ले हाँ सकते हैं काम में, और इसको लगाने का तरीका ये है कि हम पहले डॉट डॉट लगा देंगे, फिर थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर हमको रखना है ऐसा, तो ये इजीली चिपक जाएगा, नहीं तो आपके हाथ में वापस आ जाएगा ये। अगर हम एक साथ करेंगे दोनों काम, तो देखो जैसे मेरे पास आ रहा है ना वापस, तो ये इस तरीके से आएगा, इसको थोड़ा ड्राई होने देना है, फिर हमको इसको लगाना है। कैलेंडर से भी ले सकते हैं, जरूर नहीं आप कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्लावर्स भी ले सकते हैं लगाने के लिए प्रिंट आउट में।
आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया है, ये मैंने इसी तरीके से बनाया है, पर मैंने इसमें ड्राइंग करी है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। और तरीका वही है, कार्डबोर्ड है और रिबन है, गोटा है, और पुरानी राखियों से ही बना हुआ है ये भी। अब राखियाँ कुछ काम आने वाली है नहीं, तो हम इसको इस तरह से यूज में ले सकते हैं। आपको जहाँ लगता है कि मुझे कर्ण यहाँ लगाना है, तो आप वहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे थोड़ा सा एक को लगाना है, और इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें सब कुछ किया हुआ है, कहाँ पे कुंदन लगाना है हमको वहाँ वहाँ लगा देना है। यहाँ पे कुछ इसे चमकीला से निकल रहा है, तो मैंने यहाँ पे किरण को काटा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। ऐसे ही मैंने ये बांसुरी जो इनकी बनाई थी, गोटा लिया और उसको इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से इनका ये जो बना हुआ था माला, मैंने उसके ऊपर नग चिपका दिए, राखी को काट के इसमें चिपका दिया। इस तरीके से मैंने ये बनाया। अब हम लोग बीजनी बनाएंगे, जैसे कि हमने कल बनाया था। पहले एक हम लोग स्टिक को डेकोरेट करेंगे, फिर हम कार्डबोर्ड लेंगे और उसको कट करेंगे, हाफ कट करेंगे, फिर उसके अब हम रिबन को इस करके जैसे प्लेट बनाया, उसको यहाँ पे लगाया, फिर इसको हमने चिपका दिया कार्डबोर्ड पे। कार्डबोर्ड का एक साइड हमको रखा है हमने ऐसा। अब इसको हम पेस्ट करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? इस तरीके से हमने इसको यहाँ से चिपका दिया। अब हम ये लेंगे जो हमने डिजाइन तैयार किया था, इसको हम सेंटर देखते हुए पेस्ट करना है। मैं खाली ड्रॉप लगा रहा हूँ चारों तरफ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें खुशबू के लिए कॉटन में थोड़ा सा ये लेंगे, और इसको इसके अंदर दो तीन जगह डाल देंगे। तब ये अगर ये अंदर रहेगा तो इसके हवा कम लगेगी और ये उड़ेगा अब नहीं, और लंबी टाइम तक खुशबू देगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना बक्से, जब मम्मी लोग रखती है बक्से में, तो उसमें कुछ कपूर की गोलियां लगती है, वो उड़ती नहीं है, वो एक साल बाद जब हम खोलते हैं बक्सा तो उसमें अभी भी स्मेल आती है। उसी तरीके से ये, तो क्योंकि ये बंद है और जब इसको हम हवा करेंगे तभी इसमें से खुशबू आएगी। आप ट्राई करके देखना। अब हमें पहले हम इसको, ये बीच वाला जो गैप है, इसको डेकोरेट करना है, और इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो पहले हम इसमें पहले एक ग्लू लगा के छोड़ देते हैं, ताकि जब तक भी थोड़ा हाई हाफ ड्राई होगा उस पे हम लेस चिपका सकते हैं कवर होने के लिए। इसके ये किनारा, ये वाला पार्ट डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ा चौड़ा लेस लिया है इस तरीके से। इसको हमें यहाँ पेस्ट करना है। इसको हम थोड़ी देर लगा के सूखने देते हैं, हाफ ड्राई होने पर हम इसको चिपकाएंगे।
अगर हम लोग इस पे स्टेपल करेंगे ना तो ये पेपर फटने का डर होता है, इसलिए हम इसको पेस्टी करेंगे। और फैब्रिक ग्लू इसमें अच्छा काम देता है फेविकोल के मुकाबले में। कम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, इसको मैंने अभी गीले पे लगाया ना इसलिए निकले जा रहा है, जब थोड़ा ड्राई होने पे लगाएंगे तो ये निकलेगा नहीं वापस से, तो इसको मैं थोड़ी देर लगा के छोड़ रहा हूँ। इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं हम, तब तक हम ये वाला करते हैं। मैंने कल आपको बताया था लेस और गोटी में क्या अंतर होता है, जो थोड़ा डिजाइन वाला होता है वो लेस कहलाएगी, और जो बिल्कुल प्लेन होगा उसको हम गोटा बोलेंगे, बिल्कुल लाइनिंग जिसमें कुछ डिजाइन नहीं होगी वो गोटा कहलाएगा। और ये सिल्वर, गोल्डन, मेटेलिक, तीन चार तरह का आता है ये, और ऐसे लेस हर तरह की आती है, कुंदन वाली, मिरर वाली, गोल्डन वाली, सिल्वर वाली, कॉपर वाली, सब तरह की मिलती है। तो वो ज्यादातर साड़ियों में लगाते हैं, सलवार सूट पे भी लगाते हैं, पर इसको हम ऐसे डेकोरेशन के काम में लेंगे ऐसा। अब ये थोड़ा हाफ ड्राई हो गया है तो इसको मैं लगा कर जोर से दबाता हूँ। इसमें मैं थोड़ा वजन रखता हूँ, देखो चिपक गया ऐसे। तो अब हम साइड में डेकोरेशन करेंगे। इसमें आपका एक अच्छा आइडिया और भी, आप इसमें जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं आप उसमें की पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये कहलाएगा हमारा ट्रेडिशनल बीजनी फोटो फ्रेम, सही नाम है। अब इसके साइड में मैंने ये कट करके रखे हुए हैं जो हमने इसको लगाया था, इसमें लगाया था ये क्या बोलते हैं इसको, सितारे, इसको मैंने हाफ कर कट करके मैंने इस तरीके से लगा बनाया है। क्राफ्ट करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो अवेलेबल हो आप उसको अपनी क्रिएटिविटी से काम में ले लें, वही क्राफ्ट है। जरूरी नहीं यही कलर होना चाहिए, यही गोट कलर होना चाहिए, यही गोटा होना चाहिए, यही सितारे होने चाहिए, बस कलर का थोड़ा ध्यान रखना है किस बेस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो अब हम पहले डॉप डॉप लगा लेते हैं। ऐसे मैंने डॉप डॉप लगा दी, जब भी रह गया ऐसा। अब इसको हम चिपकाते जाएंगे। अब इससे जब हम हवा करेंगे ना तो इसमें बड़ी खुशबू वाली महक आएगी, क्या बोलते हैं, महक वाली हवा आएगी।
जब फैब्रिक ग्लू सूखेगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर व्हाइट, जब ये सूखेगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लगाया है, आप ये भी लगा सकते हो। पिंग पॉन्ग बोलते हैं इसको, सॉरी। ये थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, इसमें सूख गया। आप पुरानी राखियां ढूंढना, कहीं मिल जाएगी रखी हुई, आप उनको काम में लेना, पहले सबको खोल लेना, तोड़ लेना, निकाल लेना, जो भी आपके काम की चीजें हैं। ऐसा ये देखो निकल गया मेरे कैंची टाइम ना। अभी थोड़ी स्पेस यहाँ पर भी है। आप राखी को बीच में, जो डेकोरेशन का बीच में लगा रहता है राखी के बीच में, आप उसको निकाल लो कैंची से कट करके और उसको काम में ले सकते हैं। डोरियां भी इसमें बड़ी अच्छी आती हैं, अब वो कुछ काम में तो आने वाली है नहीं, तो आप उसको इस तरीके से काम में लो। यस बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, कौन पूछ रहा, तेरे को मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, किसी ने कुछ पूछा था अभी? तो कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा, कोई अभी कौन बोला सर? इस तरीके से हमने इसको डेकोरेट किया, ऐसा ऐसे हम बैक साइड में बड़ा सिंपल सा करेंगे। और इसको ये देखो, ये मैंने लगाया, जो मम्मी लोग हाथ में बांधती है ना चूड़ी पे राखी, वो मैंने राखी इसके यहाँ पे लगा दी है, ऐसे मैंने इसके नीचे की साइड लगा दी है। अब हम इसको पीछे की साइड से करेंगे, बीजनी वैसे तो उससे बनाई जाती है खजूर के पत्तों से, पर गांव में जो लोग होते हैं वो सरकंडे की से भी बनाते हैं, और फिर इसको कपड़े से, कपड़ों की कतरनों से, गोटे से डेकोरेट भी करते हैं। और एक फंक्शन आता है, एक त्योहार आता है गर्मियों के दिनों में, तो उसमें वो गिफ्ट भी देते हैं एक दूसरे को। इस तरीके से हमने, अब ये डेकोरेशन के लिए काम आ सकती है, हैंग करने के लिए आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं, ऐसा बनेगा। अब हम इसको पीछे के साथ से हमको डेकोरेट करना है, तो पीछे हम कुछ सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल सा ऐसा। मैंने लेस के पहले से लगा के रखा हुआ है, इसके बीच में ये, इसको क्या बोलते हैं, ये है गोटे का फूल है ये इसको हम बीच में लगा रहे हैं। इस तरीके से और ये मुझे यही मिले तो मैं इसको काम में ले रहा हूं।
आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। उसको अरेंज करना है कलर के हिसाब से। तो मैंने लिया है दो कलर, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम। इस तरह आएगा येलो ग्रीन, फिर येलो और इधर आएगा ग्रीन। एक ग्रीन हो रहना चाहिए, येलो ग्रीन फिर ग्रीन और येलो ऐसा। अब इसके बीच में हम ये लगा रहे हैं ऐसे, इसको मैं चिपका दिया, इसको हमने चिपकाना है ऐसा। तो बिजली बनाने के लिए हमको चाहिए कार्डबोर्ड, हैंडमेड शीट, अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, लेस, गोटा और डेकोरेशन के लिए मिरर, कुंदन, बूटियां जो कि साड़ियों में लगाते हैं, फेविकोल, कैंची और किरण, या आप राखी से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा बैक साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया। जब हम इसको, हमने चूड़े वाली राखी है इसको मैंने इसको टॉप पे लगा दिया और इसको यूं लगा दिया, बांध दिया। किसी का कोई बात नहीं, निकल गीला है अभी, आपको थोड़ा वेट करना है थूकने तक। जैसे मैंने अभी निकाल आता इसको बैक उल्टा कर लिया तो सारा निकल गया पीछे वाला, निकल रहा। ये वापस से लगा रहे हम ऐसा, इसको यहाँ पे था और ये यहाँ पे था ऐसा। जब ये सूख जाएगा तब अगर हम इससे हवा करेंगे तो आपको अभी तो महसूस नहीं होगा, अगर हम इससे हवा करेंगे तो इससे खुशबू वाली हवा निकलेगी। ये टेक्निक राजा महाराजा के लोग काम में लेते थे पहले के ज़माने में, तो ये आप भी काम में लेना इस बार, किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने आज तो जल्दी काम खत्म हो गया, तो हमने बनाए चार तरह की बिजनिया। एक हमने ये बनाया था, एक हमने ये तरीका आपको बताया कैसे बनाना है, और एक हमने कैसे गिफ्ट में दे सकते हम अपनी क्रिएटिविटी से। आपको जब चिपकाने के लिए फेविकोल के मुकाबले ये जो फैब्रिक ग्लू होता है ना वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि तो अगर ये हम इसको चिपकाने के बाद निशान नहीं होगा, अभी जैसे आप देख रहे हैं वाइट वाइट, ये सारा सूख जाएगा। कल हमने इसमें किया था जो एक्स्ट्रा दिख रहा था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, इतना दिख रहा नहीं है, दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस तरफ से भी आप देखेंगे तो ये तो मैंने अभी लगाया है, ये कल वाला था हमारा यहाँ पर, अभी तक आपको जो वाइट दिख रहा है ये सूख जाएगा तो ये आपको नजर नहीं आएगा बाद में, तो सफाई भी लगेगी दिखने में। और ये जो मैंने बनाया था ये वाली मैंने बनाई थी, इसके लिए मैंने एक बड़ा वाला गत्ता लिया, एक थाली में रखकर मैंने इसको कट किया, फिर रिबन लगाया। ये भी मैंने राखी में से निकाले थे, ये जो होते हैं ये कुछ मिल जाते हैं क्राफ्टी शॉप पे इजीली। और ये साड़ी वाले जो बूटियां आती साड़ी में जो लगाते हैं हमने वो लगाया। और ये एक लेस है, और ये डांडिया वाली स्टिक है जिससे हम लोग डांडिया करते हैं ना, वो बड़ी स्टिक थी मेरे पास तो मैंने वो लगाया। और ये एक राखी है तो इसको मैंने इस काम में ली ऐसा करके, जब इससे हम हवा करेंगे तो ऐसे हवा निकलेगी खुशबू वाली। इसके अंदर भी मैंने वही टेक्निक लगाई थी,
इसके अंदर इत्र लगा हुआ है, रुई में कॉटन में मैंने ऐसे लगाया, सर और आपका जब हम वीडियो इसको पेस्ट पॉज कर हो रहे थे गया। और मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया था। कोई पूछ रहा है कुछ? आप लिख के पूछ सकते हो, क्या पूछना है आपको? तो हमारे पास हो गए हैं चार तरह की बीजनिया, पांच तरह की हुई, पांच तरह की बीजनिया है, आप बनाइए और आपको फीडबैक फॉर्म भी भरना है, और अपनी जो आपने जो बनाया है उसको उसके साथ आपकी पिक भी भेजनी है आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।